पतंजलि ऋषिकुल कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 9 क्रिया। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, पतंजलि ऋषिकुल के शैक्षिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं जानती हूँ आप सभी बेसब्री से स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कब हमारा विद्यालय खुलेगा, कब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे। तो बच्चों, बी पॉजिटिव, वह दिन भी ज़रूर आएगा। बच्चों, आप लोगों को याद है विद्यालय में आप लोग कितना सारा काम करते थे, जैसे कि पढ़ना, लिखना, कूदना, दौड़ना, भागना, चित्र बनाना। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? तो आज हम यही सीखेंगे कि ऐसे शब्दों को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्रिया वर्ब। बच्चों, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। हंसना, दौड़ना, नाचना, खाना, गाना, पढ़ना, खेलना, रोना। बच्चों, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चित्र में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। काम का होना या काम का करना ही क्रिया है। तो इस आधार पर क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं उठने के बाद ब्रश करता हूँ, मैं ठंडे ठंडे पानी से नहाता हूँ, मैं स्वादिष्ट नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। जिस तरह हमारा जीवन काम के बिना अधूरा रहता है, ठीक उसी तरह व्याकरण में भी कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। हिंदी में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में आती हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिया भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।